नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोको F4 5G वर्सेस एप्पल आईफोन SE 2022 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F4 5G में 6.43 इंच जबकि iPhone SE 2022 5G में 5.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि F4 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो F4 5G में 2.99 इंच जबकि iPhone SE 2022 5G में 2.65 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि F4 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो F4 5G में 0.3 इंच जबकि iPhone SE 2022 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F4 5G में 195 ग्राम्स जबकि iPhone SE 2022 5G में 144 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F4 5G में AMOLED जबकि iPhone SE 2022 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो F4 5G में 20:9 जबकि iPhone SE 2022 5G में 16:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F4 5G में 6.67 इंचेस जबकि iPhone SE 2022 5G में 4.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F4 5G में 1080x2400 और iPhone SE 2022 5G में 750x1334 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F4 5G में 86.71% जबकि iPhone SE 2022 5G में 65.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F4 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iPhone SE 2022 5G में 326 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F4 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और iPhone SE 2022 5G की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F4 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPhone SE 2022 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F4 5G में Adreno 650 जबकि iPhone SE 2022 5G में Apple GPU 4 Core Graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F4 5G में Qualcomm Snapdragon 870 और iPhone SE 2022 5G में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो F4 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 12GB की RAM मिलती है, जबकि iPhone SE 2022 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F4 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि iPhone SE 2022 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो F4 5G में Android V12 जबकि iPhone SE 2022 5G में iOS V15 देखने को मिलती है। बैटरी F4 5G में 4500 mAh जबकि iPhone SE 2022 5G में 2018 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो F4 5G में दो कलर्स जबकि iPhone SE 2022 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F4 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹27,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹29,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹33,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPhone SE 2022 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹43,900, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹48,900, 4GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹58,900 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो पोको F4 5G में सात फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Apple iPhone SE 2022 5G की तो उसमें आठ फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में F4 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Mi 11T Pro 5G है, तीसरा OnePlus 9RT है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V23 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।